हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप के नाम पर रुपये मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक उद्योगपतियों के पास गुजरात के नंबर से फोन कॉल जा रही है, जिसमें उनसे गरीब बच्चों की सहायता के लिए कहा जा रहा है। इस बात पर तब ध्यान दिया गया जब BBNIA अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने थाने में जाकर मामले की शिकायत की। आपको बता दें कि पहले भी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नाम से परमाणु और नालागढ़ के उद्योगपतियों को धनराशि के चलते फोन कॉल्स आई थी। मामले पर SP मोहित चावला से ANB न्यूज ने खास बातचीत। सर, स्वागत है आपका ANB न्यूज में। धन्यवाद अनवर सर। कल एक मामला है, प्रदेश के अध्यक्ष केशव जी का फोन कॉल उनके नाम से आ रहे उद्योगपतियों को, इसके बारे में सर क्या कहना आपका? ये मेरे को एसोसिएशन की तरफ से कॉल आया था, हमने तुरंत इस पे संज्ञान लिया और लास्ट मंथ इसी सीक्वेंस में एक FIR रजिस्टर हुई परवानू पुलिस स्टेशन सोलन में और एक बरोटी वाला पुलिस स्टेशन में। दोनों टीम्स काम कर रही हैं, कनेक्टिंग नंबर है जो अभी हमें नंबर दिया गया है। जब लास्ट मंथ ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई थी तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था एसोसिएशन को और इंडस्ट्रियलिस्ट को कि कृपया करके ऐसी कॉल्स को एंटरटेन मत करें और पुलिस को इतला दें। मैं बहुत प्रसन्नता वाली बात है कि उन्होंने हमें तुरंत बताया और पुलिस ने तुरंत इसमें संज्ञान लिया। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस का कहीं ना कहीं बद्दी में दबदबा कम होता जा रहा। सर देखिए, इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनका फ़ोन आया कि कोई आदमी उनको हमारे मेंबर पार्लियामेंट सुरेश कश्यप जी के नाम से फ़ोन कर रहा है और वो गरीबों को कोई खाना खिलाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करने के लिए कह रहा है। मैंने उनसे कहा कि मेंबर पार्लियामेंट ऐसे डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर सकते, या तो वो एसोसिएशन से बात करते हैं अगर ऐसा कोई उनका प्रोग्राम है तो। आप पैसे बिल्कुल मत दें और इस फ़ोन को चेक कर लें और मैं भी चेक करता हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली जब फ़ोन चेक किया तो वो मेंबर पार्लियामेंट का ना होके एक स्पैम नंबर आया और उन्होंने मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म भी किया और मैंने वो नंबर और रिक्वेस्ट SP साहब और SDM नालागढ़ को इमीडिएटली भेज बात भी की कि ऐसे ऐसे कोई आदमी फ़ोन कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को और पैसे लेने की पैसे देने के लिए कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अपने मेंबर्स को कहें कि वो पैसे ना दें और हम इसको इन्वेस्टिगेट इमीडिएटली इन्वेस्ट